you all are doing well. This is a fast quick tutorial on how to take degrees from Google Earth, and the language I'll be using here will be Hindi, and the English details are given here. I'll be posting all this on Facebook also. So first what we have to do is, आप ये वाला link copy करिए Google Earth का. पहले हम Google Earth को download करेंगे. Google Earth कहीं भी किसी मेन्यू में जाइए, browser में जाइए, वहाँ पर जा करके इसको आप paste करिए. यहाँ दाईं तरफ ऊपर आपके डाउनलोड Google Earth का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करिए. नीचे एग्री एंड डाउनलोड करिए. अब नीचे नोट करेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी फाइल डाउनलोड हो रही है. ये 965 KB की फाइल है, लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर ये और फाइल्स को डाउनलोड करेगा. तो इट मे टेक्स नॉट मोर देन 20 मिनट्स टू डाउनलोड ऑन स्लो कनेक्शंस. तो 15-20 मिनट में आपका ये डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो जाएगा. जब ये एक बार डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा जिस फोल्डर में पड़ा है. इंस्टॉलेशन करने के बाद आप दाईं तरफ सर्च में आइए. मेरी विंडोज़ 8.1 है तो मेरे दाईं तरफ सर्च का ऑप्शन है, और हो सकता है बाकियों में किसी और तरफ हो. यहाँ पर आकर के आप अर्थ लिखेंगे तो यहाँ पे गूगल अर्थ का ऑप्शन आ जाएगा. आपने इसको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद ये गूगल अर्थ लोड हो जाएगा आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर. अब हमने देखना है कि हमें जिस घर की हमने डिग्रीज देखनी है उसका हमने एड्रेस लिखना है. रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं ताजमहल लिख लेता हूँ. तो ये ताजमहल की हम पिक्चर देख रहे हैं. ये ताजमहल हो गया है. व्यू को अच्छा करने के लिए यहाँ एक रीसेट का ऑप्शन होता है. टिल्ट एंड कंपास कर लीजिए. जो ये स्क्रीन टेढ़ी है ये सीधी हो जाएगी, और कंपास एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आ जाएगा. हमेशा याद रखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे ऊपर तो जितने भी नक्शे गूगल अर्थ में होते हैं नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, दैट इज 0 डिग्री, और दाईं तरफ ईस्ट होगा, नीचे साउथ होगा, और लेफ्ट में वेस्ट होगा. तो ये हमने देख लिया है. अब हमने देखना है इसकी डिग्रीज कितनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टूल्स पे क्लिक करिए. टूल्स पे क्लिक करने के बाद रूलर पे क्लिक करिए. रूलर पे क्लिक करने के बाद ये जो मैप लेंथ है इसके सामने ये मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं इसके ड्रॉप डाउन में. तो हमने यहाँ पर डिग्रीज को चूज करना है, और ध्यान रखिएगा हमारा आंसर यहाँ होगा हेडिंग 00 डिग्रीज. अब हम ताजमहल की डिग्रीज देखेंगे. किसी भी घर की डिग्रीज देखने के लिए हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक रेखा खींचनी है. उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये इसका एंड ये है, एक यहाँ हमने पॉइंट लगाया, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी येलो लाइन जो देख रहे हैं ये अपने आप क्रिएट हो जाएगी. तो मान लीजिए कि ये हमारा दूसरा एंड है ताजमहल का, या ये है, कोई भी ले लीजिए. तो वहाँ पर आ करके जब देखें कि ये रेखा सीधी हो गई है तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर दोबारा फिर क्लिक कर देंगे. तो आप देखेंगे ये रेखा सीधी हो गई है, ये पैरेलल है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन मोर और लेस इट्स अ पैरेलल. तो यहाँ पर आप आके हम डिग्रीज देखेंगे क्या है, 179.08. सो टेंटेटिवली हम इसको 180 डिग्री मान लेते हैं कि इस घर की जो एंट्री है, ताजमहल की जो एंट्री है इधर की तरफ से, साउथ की तरफ से, वो 180 डिग्रीज है. तो इस प्रकार से हमें एग्जैक्ट डिग्रीज मिल जाती है. अब रेफरेंस के लिए अगर मान लीजिए आप इसको आप ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं या आप हाथ से भी ग्रिड करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, मैं इसका स्नैपशॉट लेकर के आपको भी दिखाता हूँ. मैंने इसका स्नैपशॉट लिया, उसके ऊपर मैंने अपना ग्रिड लगाया, और ग्रिड लगाने के बाद अगर आप देखेंगे ये एक मैंने अप्रॉक्सीमेट सेंटर लिया है. तो यहाँ पर अगर हमारा 180 डिग्री था तो आप देखेंगे कि मैंने ये जो मेन लाइन है इसको 180 डिग्री में मैच करने की कोशिश की है. तो जब हम हाथ से भी ग्रिड बनाएंगे तो ऐसे ही करेंगे. तो ये एक अप्रॉक्सीमेट सेंटर है दिखाने के लिए कि हमें ग्रिड कैसे करना है. होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. कुछ और डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा. धन्यवाद.